माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डे 5 में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या होता है, पेज को ब्रेक कैसे करते हैं, टेबल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टेक्स्ट को टेबल में करना, टेबल को टेक्स्ट में करना, टेबल की फॉर्मेटिंग करना, टेबल में रो कॉलम को ऐड करना, टेबल से रो कॉलम को डिलीट करना एंड टेबल को ऑटो फॉर्मेट करना। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवध ग्लो में। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग एक नया पेज लेते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे हमने एक नया पेज ले लिया है। अब इस नए पेज पर अगर हमें कोई मैटर लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग कवर पेज को तैयार करते हैं। जैसे अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट किस टॉपिक के बारे में है। जैसे एक प्रोजेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए, तो उसको तैयार करने से पहले हम कवर पेज लेंगे। अब कवर पेज कैसे लेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट आपका टैब है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे कवर पेज का आपको पहला कमांड मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग कवर पेज यहाँ पर शो होंगे। अब जो भी कवर पेज आपको लेना हो उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए लास्ट वाला है, इसे हमें लेना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए सेम टू सेम कवर पेज आपके पेज पर इंसर्ट हो गया है। थोड़ा सा हम जूम कम करते हैं तो आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये कवर पेज आपका आ गया है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे लिखा है डॉक्यूमेंट टाइटल, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। डॉक्यूमेंट सब टाइटल, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि हम लोग किस टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल में किस टॉपिक के बारे में लिखने वाले हैं। तो सपोज दैट हम लिखने वाले हैं मेमोरी के ऊपर, तो यहाँ पे हो गया कंप्यूटर मेमोरी। और डेट यहाँ पे है, तो हम लोग डेट देते हैं आज का डेट है 27/11/2023। डेट हो गया। नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे कंपनी नेम आ रहा है और यहाँ पे लिख के आ रहा है राहुल शर्मा। तो राहुल शर्मा जो है ये ऑथर नेम है, और कंपनी नेम के आगे हम यहाँ पे इस चैनल का नाम देते हैं जो है अवध ग्लो। तो यहाँ पे देखिए अवध ग्लो, यहाँ पे राहुल शर्मा और यहाँ पे टॉपिक। अगर ये चाहते हैं एक ही लाइन में हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, आप और इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इसको और सेट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे होम पे आकर के और इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इसको आप कलर कर सकते हैं और भी फॉर्मेटिंग इसमें आप कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कवर पेज तैयार है। अब नीचे वाले पेज से हम ये आपका पेज फर्स्ट है, ये आपका पेज सेकंड है। यहाँ पे मार्जिन मैंने हाइड कर रखा है, डबल क्लिक करेंगे तो मार्जिन आपको शो होगा। तो आपका ये फर्स्ट पेज हो गया, ये हमारा सेकंड पेज हो गया और ये फर्स्ट पेज का हमारा कवर पेज हो गया। अब हमें जो भी मैटर लिखना होगा वो हम नेक्स्ट पेज से लिख सकते हैं। तो आपका कवर पेज जो होता है ये किसी भी डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे हेडिंग पे, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, तो ब्लैंक पेज को समझने के लिए सपोज जो हमारा कवर पेज है इसी में ही हम लोग थोड़ा सा और रैंड कर लेते हैं। हमने रैंड कर लिया, अब आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैटर लिख लिया। अब इसके बाद जैसे ही ये पेज अपने आप ही फिल होगा तो हमें एक नया पेज मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुल दो पेज हैं। ये पहला पेज ये है हमारा, फर्स्ट पेज ये है एंड सेकंड पेज ये वाला है। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे टू ऑफ टू, यानी जो हमारा कर्सर है ये सेकंड पेज पर है और कुल दो पेज हमारे पास है। जब हम ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है वन ऑफ टू, यानी हम पहले पेज पर है और टोटल टू, दो पेज है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वन ऑफ टू, यानी कि कुल दो पेज है और हम पहले पेज पे है। और जब यहाँ क्लिक करते हैं हम तो आपको दिखाई पड़ा होगा टू ऑफ टू, मतलब कुल दो पेज है और हम दूसरे पेज पे हैं। अब हमें बिना नए पेज पर पहुंचे ही, यानी कि जब ये पेज भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक नया पेज होगा, लेकिन बिना इस पेज को फुल किए, बिना मैटर पूरा लिखे, अगर हमें एक पेज और चाहिए है तो क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे एक पेज हमको नीचे मिल गया, ये पेज मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे थ्री ऑफ थ्री हो गया, यानी ये हमारा पेज सेकंड है और ये पेज हमारा थर्ड है। तो ब्लैंक पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज से हमको एक नया पेज मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है दोस्तों, पेज ब्रेक ये होता है कि जैसे अगर हम इसको जो हमारा पेज है इसको हम हटाते हैं, हम बैक स्पेस करेंगे तो हमारा ये पेज जो है वो हट जाएगा। ठीक है, और हम फिर से अपने सेकंड पेज पर आ गए। देखिए सेकंड पेज पर जो हमारा पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं तो देखिए जो सेकंड पेज का जो पहला पैराग्राफ है उसी के जस्ट नीचे हमारा कर्सर है और हम इंसर्ट पे आकर के और हम ब्लैंक पेज करते हैं तो भी हमें एक नया पेज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक क्या होता है दोस्तों, पेज ब्रेक ये होता है कि जैसे ये जो पेज है इस पर हम कुछ भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ हमारा मैटर लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि एक हमें नया पेज मिल जाए। ठीक है, तो जब नया पेज लेंगे हम, पेज ब्रेक करेंगे जब हम, तो क्या होगा, पेज ब्रेक करने पर हमारा एक और हमको पेज मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे एक पेज हमको और मिल गया, तो फिर आपको लग रहा होगा कि ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक एक ही है, ऐसा नहीं है। पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज दोनों अलग अलग है। क्या अंतर है देखते हैं हम। देखिए
देखिए हमने यहाँ पे थर्ड पेज को मिटा दिया है। अब थर्ड पेज मिटने के बाद हम लोग सेकंड पेज पे हैं। आप देख पा रहे होंगे हम लोग सेकंड पेज पे हैं। सेकंड पेज पे जो लास्ट वाला हमारा पैराग्राफ है उसके स्टार्ट में हैं हम, और यहाँ से हमने कहा पेज ब्रेक। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है वहाँ से पेज ब्रेक होगा और लास्ट वाला पैराग्राफ जो है वो एक न्यू पेज पर आ जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारा जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये क्या हो गया, एक न्यू पेज पर आ गया। और नीचे कोई पेज नहीं है, बस केवल हमें एक नया पेज मिल गया है और जहाँ हमारा कर्सर था वहाँ से पैराग्राफ हमारा एक न्यू पेज पर आ गया है। ठीक है, अब इसको हम फिर से वापस करते हैं कंट्रोल जेड के द्वारा। कंट्रोल जेड करते हैं, अगर यही चीज हम लोग ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, तो होगा ये कि हमको एक ब्लैंक पेज मिलेगा और साथ ही साथ में जो हमारा पैराग्राफ है वो एक नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। यानी कि हमको कुल दो पेज मिलने वाले हैं। जब हम यहाँ पर ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे कर्सर है यहाँ से मैटर हमारा एक थर्ड पेज पे चला जाएगा और इसके बाद हमें पूरा एक फुल ब्लैंक पेज मिलेगा। जबकि पेज ब्रेक करने पे क्या होता है कि पैराग्राफ हमारा जो है वो एक नए पेज पे आ जाता है और हमारा पैराग्राफ भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। जबकि जैसे हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमको एक नीचे एक ब्लैंक पेज, पूरा ब्लैंक पेज मिल गया है और उसके बाद अगले पेज पर हमारा जो पैराग्राफ है वो चला गया है। तो ये अंतर होता है, जब हम लोग पेज ब्रेक करते हैं तो वहीं से मैटर ब्रेक होकर के न्यू पेज पर चला आता है, और जबकि ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो जो पैराग्राफ होता है उसके बाद हमें एक फुल ब्लैंक पेज मिलता है और उसके अगले पेज पर वो पैराग्राफ जाता है। ये दोनों अंतर है। ठीक है, पेज ब्रेक करने पर वहीं से पैराग्राफ अलग होकर के एक न्यू पेज पे आता है और ब्लैंक पेज पर क्लिक करने से पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे जाता है और उसके बीच में हमें एक फुल ब्लैंक पेज मिल जाता है। तो ये आपका है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बीच अंतर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है। अगला हमारा हेडिंग है टेबल के बारे में, और जो भी आप देख पा रहे होंगे इसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सब टेबल के बारे में है। तो हम लोग टेबल को एकदम स्टार्ट से और लास्ट समझते हैं कि टेबल क्या होता है। तो उसके लिए हम एक न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पर इसका जूम पेज विथ कर लेते हैं और अब हमें टेबल समझना है। तो देखिए टेबल जो होता है हमारा वो इंसर्ट टैब पे होता है और इंसर्ट टैब पे जो फोर्थ कमांड है वो टेबल है। जैसे ही टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आपको एक ग्रिड दिखेगा, ये ग्रिड है। आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना टेबल हमारे पेज पर आ जाएगा। जैसे अगर मुझे नेम, फादर नेम, मदर नेम लिखना है तो मुझे तीन ही कॉलम चाहिए, तीन कॉलम। और कितने बच्चों का लिखना है, सपोज दैट हमको सिक्स बच्चों का लिखना है, तो 2, 3, 4, 5, 6 रो और प्लस एक हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने हेडिंग के लिए को इंक्लूड करते हुए यहाँ पर 7 रो को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और हम टैप करेंगे फादर नेम, फिर टैप करेंगे मदर नेम और फिर टैप करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। अब इसमें हम जो भी चाहें वो भर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल। जो आप ये नेम, फादर नेम, मदर नेम देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो एंड सेवंथ रो। तो हमारे पास सेवन रो है और हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम है। ठीक है, और एक खाना, जो एक खाना होता है जिसमें हम लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो ये वाला होता है कॉलम, ये वाला होता है रो, और एक सेल को अगर हम ले इसको कंसीडर करते हैं तो एक सेल जो होता है ये कहलाता है सेल। तो आई होप आपको टेबल क्या होता है, पूरे को टेबल बोलते हैं। रो, कॉलम, सेल को मिला के टेबल होता है। और जो ये आप देख पा रहे होंगे जो ये वर्टिकल, जो वर्टिकल में दिख रहा होगा सेल, अगर ये सब सेल ही है, ये सब सेल है, अगर हम सेल को 1 by 1 वर्टिकल क्रम में रख दें तो ये हमारा कॉलम होता है, और ऐसे ही अगर हॉरिजॉन्टल क्रम में रख दें तो हमारा ये रो होता है। यानी सेल के हॉरिजॉन्टल क्रम को, सेल के हॉरिजॉन्टल क्रम को रो कहते हैं एंड सेल के वर्टिकल क्रम को कॉलम कहते हैं। और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम जो होता है, अगर इस रो और इस कॉलम को ले हम तो ये सेल मिलेगा, इस रो और इस कॉलम को लेने पर ये सेल मिल रहा है, तो इसको सेल बोलते हैं। यानी सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, तो आई होप आपको टेबल, रो एंड कॉलम क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो टेबल हमारा ये पूरा है, इसमें इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो और एक खाने को बोलते हैं सेल। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं इस टेबल में कुछ डेटा भरते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेटा को पहले फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डाटा को फिल कर लिया है। अगर हम चाहते हैं कि जो टेबल है ये गायब हो जाए, ये टेबल है ये गायब हो जाए और केवल टेक्स्ट रह जाए, तो क्या करते हैं इसके लिए, इसके लिए हम टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं।
करते हैं, कैसे होता है? तो इसके लिए हम लोग आने वाले हैं, ये जो हमारा लेआउट टैब है यहाँ पर आएंगे और लेआउट टैब में आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में मिलेगा, यहाँ पे एक कमांड मिलेगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप जो टेबल हटाने वाले हैं तो वहाँ पे सेपरेट करने के लिए आप क्या लगाएंगे, जैसे आप पैराग्राफ मार्क का यूज करेंगे, टैब का यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे या कोई अदर सिंबल यूज करेंगे। जनरली सब लोग टैब्स का यूज करते हैं, तो हमने भी टैब सेलेक्ट कर रखा है और करेंगे ओके, तो हमारा टेबल गायब हो जाएगा और जो मैटर है वो टैब के द्वारा एक क्रम में फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये होता है कि टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। अगर मुझे जस्ट इसी का अपोजिट करना है कि हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मुझे इसे टेबल में करना है, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे और यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर क्लिक करेंगे और फिर हमें कर देना है ओके। तो देखिए जो हमारा टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को टेबल में और टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे ही हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं या टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे टेबल डिजाइन का एक टैब एक्टिव होता है और इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग डिजाइन आपको दिख रहे होंगे और इस पे क्लिक करने से आपको बहुत सारे फॉर्मेट भी दिखाई देंगे। तो जिस फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे आपका टेबल भी उसी फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है टेबल को फॉर्मेट करना। आप टेबल डिजाइन टैब पे आएंगे और यहाँ पे टेबल स्टाइल के अंदर आपको बहुत सारे टेबल का स्टाइल दिखाई देगा। आप टेबल को बनाने के बाद आप अलग अलग टेबल स्टाइल में से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जानने वाले हैं कि टेबल में रो कॉलम को अगर ऐड करना हो, जैसे यहाँ पे लिखा है नेम, फादर नेम, मदर नेम, लेकिन बच्चे का नेम के बाद हमें कुछ और लिखना है या फादर नेम के बाद या मदर नेम के बाद हमें कुछ और लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमें कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलम बढ़ाने के लिए जैसे मुझे यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद लिखना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए हमें एक कॉलम और चाहिए होगा, तो उसके लिए हम फिर से आएंगे लेआउट पर और लेआउट में देखिए यहीं पर आपको रो एंड कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको लिखा हुआ है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, ये हमारा रो बढ़ाने के लिए है, और इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, ये हमारा कॉलम बढ़ाने के लिए है। तो कॉलम बढ़ाना है और राइट में मदर नेम के राइट में चाहिए हमें, तो हम राइट पे क्लिक करेंगे, देखिए हमें एक नया कॉलम मिल गया और यहाँ पे हम डीओबी लिख सकते हैं और उसके बाद बच्चे का जो भी डीओबी होगा उसे हम भर देंगे। इसी प्रकार अगर हमें फादर नेम और मदर नेम के बीच कोई कॉलम चाहिए तो हम फादर नेम को सेलेक्ट करेंगे तो इसके लेफ्ट में मंगाएं, इसके राइट में मंगाएंगे, और अगर मदर नेम को सेलेक्ट करेंगे तो इसके लेफ्ट में मंगाएंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में एक नया कॉलम हमें मिल गया। ठीक है दोस्तों, अगर इस कॉलम को हमें हटाना हो, जैसे सपोज दैट ये कॉलम हमें ऐसे मिल गया, हमें आवश्यकता नहीं है, तो इस कॉलम को हटाना है तो ऐसे आप सेलेक्ट करके और डिलीट की द्वारा आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आएंगे, ये डिलीट है कहाँ, ये लेआउट टैब पे है, और यहाँ से करेंगे आप डिलीट कॉलम, तो वो कॉलम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ हटाना है, फिर से आप यहाँ पे क्लिक करोगे डेट ऑफ बर्थ पे, डिलीट में आओगे, आपको ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं और बिना सेलेक्ट किए भी कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट किए हुए हैं तो जस्ट ऊपर ही क्लिक कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं किए हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के बाद या क्लिक करने के बाद आना होगा डिलीट में और यहाँ पे डिलीट करना होगा कॉलम, तो आपका कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कॉलम को डिलीट कर दिया है और आप देख रहे हैं कि टेबल की जो चौड़ाई है वो कम हो गई है। अब मुझे फिर से इसको एडजस्ट करना है, तो इसी के लिए होता है टेबल को ऑटो फॉर्मेट करना या इसकी विड्थ को ऑटो फिल करना या टेबल को ऑटो फिट करना। तो कैसे करते हैं, ये टेबल जो आपका लेआउट है, टैब है, इसी पर ही आपको मिलेगा ऑटो फिट। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑटो फिट टू कंटेंट, तो जो मैटर है उसके हिसाब से आपका कॉलम पतला होकर के फिट हो जाएगा। अगर हम करते हैं ऑटो फिट विंडो करते हैं, तो जितना हमारा स्क्रीन है, जो हमारा मार्जिन है, यानी कि मार्जिन जो यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से और यहाँ इधर, इसके बीच में हमारा पूरा टेबल जो है वो फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टेबल को फिट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेबल को ऑटो फिट करना। ठीक है, आप फिट कर सकते हैं लेआउट के द्वारा अगर आप चाहें तो, आप फिट कर सकते हैं कंटेंट के द्वारा, आप फिट कर सकते हैं विंडो के द्वारा, और यहाँ पे आप कर सकते हैं फिक्स कॉलम विड्थ। तो इससे क्या होता है, जो हमारा कॉलम विड्थ होता है वो फिक्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट के द्वारा उसे अलग से पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।